जिसे आपको ऑपरेशन के पहले हॉस्पिटल में जमा करना होगा। और हाँ, एक बात और, ऑपरेशन के बाद भी उन्हें एक दो महीने यहीं रहना होगा, जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। पैसों का इंतजाम हम कैसे करेंगे? हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत में डाल दिया हमको? हम क्या करेंगे? मेरे पास कर पानू, कहां से होगा 4 लाख रुपए का इंतजाम? कहां से होगा? अरे बाप रे बाप, दीदिया हमसे काहे पूछ रही है? 4 लाख कहां से आएगा? कहिए, हमसे उम्मीद लगा के तो नहीं बैठी? हमरा बाबूजी के आप कैसा परीक्षा ले रहे हैं भगवान? कौन भूल का सजा दे रहे हैं उनको? कौन है उनका आगे पीछे सिवाय आपके? कहां से आएगा इतना रुपया कि हमरा बाबूजी का ऑपरेशन होगा? आप तो दयालु हैं भगवान, आप कभी भी कुछ भी कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। आपके लिए तो कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए आप हमरा बाबूजी को ठीक कर दीजिए भगवान। अगर जाने अनजाने उनसे उनसे कोई भी गलती हो गया हो तो उसका सजा हमको दे दीजिए, उनको मत दीजिए। बस उनको जल्दी से ठीक कर दीजिए भगवान। पुनीत बाबू ने कहा था कि वो नैना की रिकॉर्डिंग करवाएंगे और वो नैना को मानते भी हैं और ये शहर भी पुनीत बाबू का है। जब वो रिकॉर्डिंग पर इतना खर्चा कर सकते हैं तो हमारी मदद भी जरूर करेंगे। ठीक हो जाएगा माँ, ऑपरेशन के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा? अगर तू जाएगी नैना तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे चाहने से कैसे ठीक हो जाएगा माँ? हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही अटेंडेंट अलाउड है, प्लीज आप लोग जाइए। सिस्टर, आज रात की बात है, कल सुबह हम बंदोबस्त कर लेंगे। बचपन के लेके कहाँ जाएंगे? आज रहने दीजिए। देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए।